हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कलाकंद की रेसिपी शेयर करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत कम सामग्रियों से बन जाता है। कलाकंद बनाने के लिए हमें केवल दूध और चीनी की ही ज़रूरत पड़ती है। कलाकंद हम किसी त्यौहार या खास मौक़ों पर बना सकते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में एक कप दूध डाला है। मैंने यह फुल फैट मिल्क लिया है। मीडियम फ्लेम में इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा करना है। मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है। इसे मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। पनीर को हम ग्राइंड करेंगे। दूसरी ओर हम दूध को भी चलाते जाएंगे। दूध को चलाते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। अब हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है। यहाँ हम आधा कप चीनी डालेंगे। चीनी को अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। यहाँ मैंने एक छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाला है। इसे भी अच्छी तरह मिला लेंगे। मैंने पनीर को ग्राइंड कर लिया है। पनीर को अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद ये सॉफ्ट हो गया है। दूसरी तरफ चीनी घुल गया है और दूध भी गाढ़ा हो गया है। हमने जो पनीर को ग्राइंड करके रखा था उसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसे चलाते हुए अच्छी तरह गाढ़ा कर लेंगे। हाई फ्लेम में पकाने से हमारा कलाकंद दूध की तरह सफ़ेद बनेगा और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। हमें दूध और पनीर को चलाते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब ये यहाँ गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। मैंने कलाकंद को जमाने के लिए एक प्लास्टिक के कंटेनर में एल्युमिनियम फॉयल लगा लिया है। आप यहाँ बटर पेपर भी लगा सकते हैं। कलाकंद के मिश्रण को इसमें डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह फैलाते हुए स्प्रेड कर लेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं फैलाएंगे। कलाकंद थोड़ा मोटा ही रहता है। मैंने यह कलाकंद को अच्छी तरह फैला लिया है। इसके ऊपर हम चॉप्ड काजू बादाम पिस्ता डालेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स के जगह सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं। हम हाथों से हल्का प्रेस कर देंगे। अब हम 3-4 घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे। 3-4 घंटे हो गए हैं, अब ये सेट हो गया है। सेट हो जाने के बाद इसे हम चाकू से कट कर लेंगे। कलाकंद के पीसेस को आप अपनी मर्जी के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमारा कलाकंद बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद बना है और ये कितना सुंदर दिख रहा है। आप जब चाहे इसे आसानी से बना सकते हैं। हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।